आज हम लोग जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बहन को। गोभी कीमा बनाने। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा खड़ा मसाला, इसमें डाल देते हैं कीमा। कीमा की अच्छी तरह करते हैं फिनाई। फिनाई का तो पानी चल जाए, इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक। देखो हाँ, तो वो एक मिनट तो फिर इससे दो चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी बस। और हाँ हाँ डाल रहे हैं, एक मिनट चलाने तो दो। हमने लहसुन अदरक हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ा सा कीमा को भूना है अच्छी तरह, कम से कम 20 मिनट। फिर उसके बाद हमने दो टमाटर काट के डाल दिए थे, ठीक है। अब टमाटर को अच्छी तरह मैंने इसमें गला दिया है, खूब अच्छी तरह भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये दो आलू थे और आधा किलो गोभी। आधा किलो हमारा कीमा भी था, आधा किलो गोभी और एक आलू है और एक, हाँ बस छोटे छोटे दो थे, बहुत छोटे। और आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि मैं जब सब्जी बनाती हूँ तो बगैर पानी, मैं इसमें पानी नहीं डालती। टमाटर के बना पानी, कीमा अपने पानी में गल जाता है, बारीक कीमा होता है, आलू गोभी जितनी किसी में मैं पानी नहीं डालती। बगैर पानी की सब्जियाँ मैं गला के बनाती हूँ, मसाला बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर इसमें हमारी मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्चा नहीं डाला हमने और नहीं डालना है, ना इसमें धनिया पड़ेगी, ना गर्म मसाला, कुछ भी नहीं। देखते हैं लोगों को भर भर के धनिया डालो, हर चीज़ में पानी डालो गिलास भर भर के गलाने के लिए, क्या सब्जी कितनी अच्छी, सब्जियों की जायका ही बदल देते हैं। अच्छी तरह थोड़ा भुन जाए तब इसको, हम ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, 20 से 25 हरी मिर्ची काट के हमने रखा है, इसमें डाल के दम पे रख देंगे, ठीक है। नमक हमने पहले डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, मिर्ची भी अपने टेस्ट के मुताबिक सब लोग डाला करो। और बीच में थोड़ा सा नमक हमें चख लेंगे, कम होगा तो और डाल लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा, बगैर पानी के कीमा गोभी आलू तैयार है। मसाला मसाला बहुत अच्छा, आलू भी गलते दम, गोभी भी गलती रेडी है। अब हम इसको आपको डिसाइड करके दिखाते हैं। और इसको रोट चपाती, घर की चपाती ये जैसे है और पराठा है, बाहर की भी रोटी है, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत जायकेदार मसाला, बहुत ही अच्छा बना है। पर धनिया इस वक्त नहीं है सजाने के लिए, बस यही है। अब अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इसे बनाएं और खुश रहें और लाइक करें और हमारे लिए भी दुआ करें, हम आप लोग के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।